आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद कुछ दिनों तक एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि वह अब कुछ सालों तक फिल्मों में एक्टिंग न करके फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे। इसी बीच उन्होंने सलमान खान को स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की आधिकारिक हिंदी रीमेक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन सलमान खान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव की मांग की थी, जिससे आमिर खान ने मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आमिर खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आमिर अब एक्टर के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आमिर खान अब एक एक्शन फिल्म करना चाहते हैं। उन्होंने कई सालों से एक भरपूर एक्शन फिल्म नहीं की है, इसीलिए आमिर खान अब एक फुल एक्शन फिल्म करना चाहते हैं। आमिर खान अब एक अच्छी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। इसके अलावा आमिर खान ने एसराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा से फिल्म धूम फ्रेंचाइजी में उनके किरदार की वापसी को लेकर बात की है। आमिर खान चाहते हैं उनके शाहिर और समर के किरदार को रिवाइव करके धूम 4 बनाई जाए। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आमिर धूम 4 करना चाहते हैं, लेकिन अब यह तय है कि आमिर खान एक फुल एक्शन फिल्म करना चाहते हैं। बता दें कि आमिर खान आखिरी बार साल 2018 में एक्शन फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दिखे थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। बहरहाल अब आमिर को कई दिनों बाद एक फुल एक्शन फिल्म में देखना काफी शानदार अनुभव होगा। वैसे भी आमिर खान के फैंस कई दिनों से उन्हें एक एक्शन फिल्म में देखना चाह रहे थे, और अब फैंस की यह ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें।